आगामी लोकसभा चुनाव में देश को जुमलों वाली सरकार से निजात दिलाई जाएगी। देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों को खुशहाल किया जाएगा, वहीं युवाओं को मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया जाएगा। यह बात कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के नवनियुक्त यूथ कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष विजय इंद्र करण ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कही। नई जिम्मेवारी मिलने पर धर्मशाला पहुंचे विजय इंद्र करण ने कहा कि किसान खुशहाल होगा तभी देश तरक्की करेगा। युवा शक्ति को आगे लाने के लिए कांग्रेस काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जहां जुमलेबाजी में मशगूल है, वहीं प्रदेश सरकार भी अपनी नाकामियों को छिपाने में लगी हुई है। प्रदेश के लिए जो NH स्वीकृत हुए थे उनके लिए ना तो राशि स्वीकृत हुई है और ना ही कार्य शुरू हो पाया है। स्कूली बच्चों को वर्दियां व लैपटॉप देने के वादे अधूरे पड़े हैं। प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर यूथ कांग्रेस जनता के बीच जाएगी तथा कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करेगी। विजय इंद्र करण ने कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा किसान होगा खुशहाल और युवा शक्ति अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत प्रचार सामग्री पर दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल देकर किसान व युवा अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए धर्मशाला में यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण AICC द्वारा दिया जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक किसान व युवा इन अभियानों में अपना पंजीकरण सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें किस तरह पूरा किया जाना है उसका ड्राफ्ट दिल्ली में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशी को लेकर AICC द्वारा इंडिपेंडेंट सर्वे करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो उसे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र से लीड दिलाई जाएगी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने युवा कांग्रेस का आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा जो है हमारा एक कार्यक्रम है चलो पंचायत की ओर, जो आज विधिवत रूप से हमने कांगड़ा जिले में शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत हम ग्रास रूट लेवल पे गाँव में पंचायतों में जाकर किसानों के साथ और युवाओं के साथ जुड़ने का प्रयास करने जा रहे हैं और उनको एक किसान कार्ड और युवा कार्ड देने जा रहे हैं, जिसके तहत बाद में अनेक तरीके के फ़ायदे किसानों को और युवाओं को दिए जाएंगे। किसानों की बात करूं तो जो ऋण उनके ऊपर है, ऋण माफ़ करना हमारी प्राथमिकता रहेगी, उनको सिंचाई की व्यवस्था प्रदान कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी और उनको न्यूनतम मूल्य अपना समर्थन मूल्य दिलाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। ऐसे युवाओं की बेरोजगारी का जो मुद्दा है ये बहुत अहम है और युवाओं का जो रोज़गार उपलब्ध करवाना, युवाओं के जो एजुकेशन के लिए लोन है वो माफ़ कराना, ये सब चीज़ों को लेके युवा कांग्रेस पंचायत लेवल पे बूथ लेवल पे काम करेगी और इसी की शुरुआत आज हमने जिला मुख्यालय धर्मशाला से की है। ठीक है जी, धन्यवाद। लोकसभा चुनाव भी अभी सर पे हैं और यहाँ भी आज आपका स्वागत हुआ, उसमें भी ये बात देखने को मिली कि यहाँ पर भी जो पार्टी के बीच में दूरियाँ हैं, गुटबाजी है, वो उजागर हो रही है, क्या कहेंगे इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कहीं नहीं है। जो भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हाईकमांड भेजेगी आप देखेंगे निश्चित रूप से उनको सतारा के सतारा हलकों में कांगड़ा चंबा के उनको लीड मिलेगी और हम पूरे तन मन धन से उनके लिए कार्य करेंगे। थैंक यू। ठीक है जी, धन्यवाद।